मेरी डेली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी खबर देने जा रहे हैं जिसका हर पाकिस्तानी को शिद्दत से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, गुज़श्त दिनों में ज़ैनब के साथ ज़्यादती की और फिर उसे कत्ल कर दिया गया। जी दोस्तों, 7 साल बच्ची के साथ पहले मुबैना ज़्यादती की गई, फिर उसे कत्ल कर दिया गया और उसका कातिल पकड़ा गया है। निजी टीवी 24 की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ैनब कत्ल केस में बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ गया है। पुलिस ने ज़ैनब के मुबैना कातिल उमर को गिरफ्तार कर लिया है। मुबैना कातिल को मजीद तफ्तीश के लिए GIT के सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि DNA टेस्ट करने के बाद मजीद तफसीलात लाई जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना कातिल उमर ने कसूर में एक बच्ची के साथ ज़्यादती के बाद कत्ल का इतराफ़ कर लिया है। इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि मुबैना कातिल उमर वकुआ के रोज़ कसूर में मौजूद था, जिसकी तस्दीक इसके मोबाइल डाटा से भी हुई है और CCTV फुटेज से भी ये बात सामने आई है। कसूर में ज़ैनब से ज़्यादती करने वाला उमर अपने खुद मुंह से उसने इस बात का इतराफ़ किया है कि उसने एक बच्ची के साथ ज़्यादती भी की है और कत्ल का इतराफ़ भी किया है। पुलिस ने DNA टेस्ट पर बात छोड़ दी है कि लिहाजा उमर ने खुद इतराफ़ तो कर लिया है लेकिन वो बता नहीं रहा। लिहाजा DNA टेस्ट की रिपोर्ट जब सामने आएगी उसके बाद पता चलेगा कि उमर ने वाकई ज़ैनब के साथ ज़्यादती की थी या किसी और लड़की के साथ। तो दोस्तों, अपनी राय का इजहार हमारी वीडियो में कमेंट के ज़रिए लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।